हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे सीआरटी टीवी के मुख्य फॉल्टों के बारे में। सीआरटी टीवी में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं मुख्य रूप से, उनके बारे में और उनका समाधान कैसे करना है। तो दोस्तों, अधिकतर देखते हैं पावर सप्लाई में जो फ्यूज लगा रहता है बार बार उड़ जाता है ना। फ्यूज उड़ जाने का कारण ये यहाँ पर जो क्वाइल रहता है ये शॉर्टिंग हो जाता है या तो फिर आपका डायोड सेट हो जाता है। तो यदि इस टाइप से हो रहा है तो आप डायोड की दिशा शॉर्ट हो तो उसे चेंज कर दें, ठीक है ना, मीटर से। और दूसरा, कभी कभी एक कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपका फ्यूज बार बार उड़ता है, ठीक है, कैपेसिटर को चेक कर लें। और चलते हैं आगे की ओर। यहाँ आपका ये वाला ट्रांजिस्टर जो है 3 पिन का, इसके शॉर्टिंग की वजह से भी आपका ये फ्यूज बार बार उड़ जाता है, ठीक है, तो इसको भी चेक कर लें और बना के देखें पावर सप्लाई में का रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जल जाता है या तो डायोड शॉर्ट हो जाता है। छोटा छोटा जो डायोड रहता है जीना डायोड, आपको दिखा दें यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जीना डायोड ये अधिकतर शॉर्ट होता है। तो दोस्तों, जब भी आप टीवी रिपेयरिंग करें, सीआरटी टीवी या तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग करें, इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयरिंग करें, तो आप जमीन में पैर ना रखें। हाँ, तो दोस्तों मैं बता रहा था, जब भी आप टीवी सीआरटी टीवी या तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सामान की रिपेयरिंग कर रहे हों तो आप ज़मीन में पैर ना रखें, ठीक है, स्टूल में बैठ लीजिए और पैर को उठा ज़मीन से ऊपर की ओर रखें, या तो जूता उत्ता पहन लें या तो चप्पल पहन लें। उसके बाद भी आप स्टूल पैर को ज़मीन में ना रखें, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि स्टूल में जब भी आप बैठेंगे तो अपना पैर उठा के बैठेंगे, ज़मीन में टच ना हो, है ना। इस टाइप से सावधानी से कीजिएगा, इससे क्या होगा, यदि मान लीजिए आप गलती से प्लस को टच भी हो गया हाथ से तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात को एकदम विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, जब भी रिपेयरिंग करें तो आप स्टूल में बैठ के और ज़मीन में पैर टच ना हो, शरीर का कोई भी हिस्सा ज़मीन पर टच ना हो, है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा और रिपेयरिंग कीजिएगा सावधानी से, क्योंकि इसमें रिपेयरिंग करने में बहुत ही ये ख़तरनाक चीज़ है। यदि गलती से हाथ इधर उधर पड़ गया इधर उधर तो आपको करंट जोर से लग सकता है, तो सावधानी ज़रूर बरतें। चलिए आगे की ओर। तो दोस्तों, मैं बता रहा था कि ये जो यहाँ पे जो जीना डायोड लगा रहता है, यहाँ पे भी लगा है, तो ये पावर सप्लाई में जीना डायोड अधिकतर शॉर्ट होता है, उसके वजह से आपका ये वाला लगाने से काम नहीं करता है, ट्रांजिस्टर लगाने से काम नहीं करता है, शॉर्टिंग नहीं बताता है, चालू नहीं हो पाता है। तो यहाँ से ये वाला सेक्शन को जो दिया है ब्लैक वाला, तो यहाँ से इधर का ज़्यादा सामान नहीं है इसमें, ये सब कुछ चेक कर लीजिएगा, है ना, आपका क्लियर हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि यही वाला बन जाए, यदि नहीं बनता है तो आप यहाँ पे 5 तार वाला लगा सकते हैं, 2 तार वाला मॉडल भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि यदि आप उसको बना पाएँ, कोशिश कीजिएगा कि बन जाए। और इससे आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे 110 वोल्ट जो आता है, है ना, ये वाला सप्लाई आपका यहाँ से ESD में घुस जाता है, ESD से जाके आपका यहाँ पे आउटपुट हुआ है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो लगा है इसके शॉर्टिंग की वजह से ये भी अधिकतर शॉर्ट हो जाता है, इसको भी चेक कीजिएगा। ESD शॉर्टिंग हो जाने से आपका पूरा सप्लाई को ड्रॉप कर देगा, ठीक है, तो इसको भी चेक कर लीजिएगा और सीरीज में ही चेक कीजिएगा। और इससे बता दूँ, इस सेक्शन में जो फॉल्ट आता है आपका 180 वोल्ट वाला जो सप्लाई यहाँ पे जो गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है इसके ख़राब हो जाने की वजह से यहाँ 180 वोल्ट नहीं बन पाता है, तो ये कैपेसिटर को चेक कर लें,
ठीक है दोस्तों, मुझे पलट के दिखा दे रहा हूँ आप लोग। ये वाला कैपेसिटर है, यदि ये ख़राब हो जाएगा तो 180 वोल्ट नहीं बनेगा और आपके वीडियो क्लियर नहीं आएगा, रिट्रेस लाइन आएगा इसके ख़राब हो जाने से, है ना। कई तो किट में मैं देखा हूँ कि ये ख़राब हो जाता है। और आपका ये वाला हो गया, और वर्टिकल सेक्शन जो भी फॉल्ट आता है आपको दिखाते हैं। यहाँ का जो मेन कैपेसिटर रहता है वो ख़राब हो जाता है, यहाँ से जो दिया है डायोड लेके यहाँ, ठीक है। और यहाँ से जो सप्लाई गया है आप देख सकते हैं ये वाला, और यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है सप्लाई, और यहाँ से डायोड लेके यहाँ से घूमते हुए यहाँ से घुमा के ये यहाँ दे दिया है इसके ए वाले फील्ड। और ए वाले फील्ड में आपका 26 से 30 वोल्ट आना चाहिए, और ये वाला आपका यहाँ गया है सप्लाई में, यही वाला यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस लगा है और सप्लाई यहाँ गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप 26 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक चेक कीजिएगा यहाँ पर यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे आपका 3 से 4 वोल्ट, और इसके अपोजिट भी 3 से 4 वोल्ट, और यहाँ पे आपका 12 वोल्ट जो ESTA का बोलते हैं यहाँ जाता है, क्या आपके वर्टिकल योक कॉइल के कनेक्शन में ये देख सकते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट निकलना चाहिए। ये सब सप्लाई ओके है, 12 वोल्ट नहीं निकल रहा है तो IC ख़राब है आपका, IC को चेंज करके देखते हैं, ठीक है। और इसके ख़राब की वजह से वर्टिकल लाइन आता है, ठीक। और मान लीजिए एक तो खड़ा लाइन आ गया, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो बूस्टर ये वाला ये दो तो वर्टिकल का हो गया, और यहाँ ये दोनों हॉरिजॉन्टल का हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक तो कॉइल लगा है और यहाँ रेजिस्टेंस, ये दोनों के ख़राब की वजह से आपका एच लाइन आएगा, नहीं कि खड़ा लाइन आएगा, ठीक है। और चलते हैं आगे की ओर, और इसको टीवी में डाल के इसको हाथ से इस टाइप से टच कीजिएगा, इधर ना कीजिएगा, इधर मेन सप्लाई रहता है और इधर डर रहता है, करंट लगने का चांस रहता है, तो यहाँ पर टच कीजिएगा सावधानी से, तो पिक्चर ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपका ये वर्टिकल IC ठीक है। बाकी वर्टिकल IC ठीक है तो अगल बगल के पार्ट्सों को चेक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर दिखाते हैं आपको मेमोरी IC यहाँ पे है, यहाँ 5 वोल्ट और यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, इधर का पूरा ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, यदि 5 ये सप्लाई ठीक है और आपका ये भी सप्लाई ठीक है, ये भी सप्लाई ठीक है, यानी कि सप्लाई सब 110 वोल्ट यहाँ पे आया, और क्या बोलते हैं वर्टिकल में भी आगे सप्लाई, और आपका मेमोरी IC में भी आगे सप्लाई, साउंड सेंसर में भी आगे सप्लाई, उसके बाद भी ESTA नहीं बनता है, तो आप मेमोरी IC को चेंज करके देख लें, मेमोरी IC की वजह से इस टाइप से फॉल्ट आता है, ठीक है दोस्तों। और चलते हैं आगे तो आपका साउंड में कोई दिक्कत आए तो साउंड IC तो यहाँ पर लगा हुआ है, इनपुट में सब यहाँ पर आप सप्लाई चेक कीजिए, यहाँ से जो आया है ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ सप्लाई आया उसके बाद भी साउंड नहीं आ रहा है, तो आप इसको चेंज करके देख लें। प्लस यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा रहता है जो कि ये दोनों स्पीकर के लिए दिया गया है, ठीक है, तो इसको देख लें। और इसमें क्या फॉल्ट आता है यहाँ को दिखा देता हूँ ना, जो ये लाइन जो खड़ा लाइन आता है उसका, तो यहाँ पर कॉइल लगा है, कॉइल को दिखा देते हैं, ये वाला का देख सकते हैं, ये वाला है, ये कॉइल है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों के ख़राब हो जाने से आपका खड़ा लाइन आएगा, इसको हॉरिजॉन्टल फॉल्ट बोलते हैं। और इसमें और क्या खास और कुछ इसमें दिखाई नहीं देता है, फिर भी यदि कोई भी दिक्कत आता है तो मेरे को से मेरा नंबर ले लीजिएगा और कॉल कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे जैसे भाई हम लोग रिपेयरिंग करेंगे TV में, वैसे वैसे आप हमको दिखाते जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। और जो भी रिपेयरिंग के लिए आता है TV, उसको क्रिटिकल रूप से आप लोगों को दिखाएंगे फॉल्ट क्या है, और तो दूर करेंगे वाले फॉल्ट को।
तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।